विधानसभा गुना के क्षेत्र बरखेड़ा हाट में जीत हासिल करने के बाद विधायक गोपीलाल जाटव के द्वारा गांव-गांव जाकर आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए घर घर जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। आप सभी से जो वादा किया है उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा एवं भाजपा ने जो वादे किए हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। आप सभी गुना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं भी अपनी तरफ से पूरे दिल से आभारी हूँ। विधायक गोपीलाल जाटव ने यहाँ पर वंदे मातरम को लेकर भी मुंहतोड़ जवाब दिया। नई साल की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम आ भी जा रहे हैं सबको धन्यवाद देने के लिए। रहा सवाल इस बात का कि जो है मतदाना कांग्रेस ने जो है वंदे मातरम पर जो प्रतिबंध लगाया है या लगा रही है, हम जो है ना भारत के रहने वाले हैं, हम भारत माता की जय बोलेंगे, हम वंदे मातरम बोलेंगे। उनके कहने से क्या हम जो है ना वंदे मातरम नहीं बोलेंगे या वंदे मातरम को भूल जाएंगे या भारत माता को भूल जाएंगे हमारी को? इसलिए उनके कहने से क्या होता है, क्या उनके कहने पर चलेंगे हम? और बोलिए, कमलनाथ जी ने वंदे मातरम बंद करने की घोषणा की थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, अभी तो जो है हम ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव जा करके सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम जो है ना मतलब सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं, सबको धन्यवाद दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जिताया, कमल के फूल को जिताया उनका सबका। अभी हमारा ग्रामीण क्षेत्र में आज जो है ना इधर का पूरा हो जाएगा, एक दिन का और रहे। आरोन से ग्राउंड रिपोर्टर चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट।